तो जी गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हमारी व्हर्लविंड कार। ये आप देख सकते हैं स्पीड अपग्रेड रेस। फंक्शन की बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाता है 27 मेगाहर्ट्ज़, 1.16 सिमुलेशन स्केल। तो गाइस डब्बे की इस साइड पर देखें तो यहाँ पर हमें इंस्ट्रक्शन दी गई है, गो फॉरवर्ड, स्टॉप, बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, फ्लैशिंग लाइट। ये आप देख सकते हैं RC मॉडल है। तो डब्बे की बैक साइड पर देखें तो गाइस यहाँ पर डायमेंशन दी गई हुई है, ये आप देख सकते हैं मेड इन चाइना है। एज की बात करें तो एज 3+ ही है। प्राइस की बात करें तो ये मुझे मिला है 800 रुपये में। गाइस आप इसे देख सकते हैं कितना बेहतरीन डिज़ाइन किया गया है इसको। गाइस बिल्कुल नीड फॉर स्पीड गेम के अंदर जो कार है बिल्कुल उसकी तरह इसको डिज़ाइन किया गया है। तो चलें गाइस बिना वक्त जाया कि इसकी कर लेते हैं हम अनबॉक्सिंग। वाओ गाइस, ये आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन इसको डिज़ाइन किया गया। ये हमारा रिमोट, तो गाइज़ ये आप देख सकते हैं कितनी बेहतरीन लुक है इसकी। इसकी बैक साइड, बैक हेडलाइट और इसकी फ्रंट हेडलाइट आप देख सकते हैं गाइज। इसके अंदर स्टेयरिंग देखें आप, इसकी सीट्स देखें कितना बेहतरीन डिज़ाइन किया गया इसको। गाइज मटेरियल की बात करें तो मुझे इतना ख़ास कुछ नहीं लगा, बस नॉर्मल है। तो गाइज़ ये इसकी लुक बहुत अच्छी है, इसको बहुत बेहतरीन डिज़ाइन किया गया। ये आप देख सकते हैं गाइज स्पोर्ट्स कार की तरह है बिल्कुल। गेटर्स लगा के आप इसको चेक कर लेते हैं इसके बाकी फंक्शन। तो गाइस बैटरीज लगा दी गई हैं अब इसकी। आप देख सकते हैं गाइस रिमोट, ये इसका रिमोट इतना ख़ास कुछ मटेरियल नहीं है गाइस, नॉर्मल है। तो चलें गाइस इसमें बैटरीज लगा लेते हैं। इसके अंदर डलेंगी 2 बैटरीज, उसके बाद इसके कवर को बंद कर देना है। तो गाइस यहाँ पर ऑन ऑफ का स्विच दिया गया है, चलें इसे ऑन कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं गाइस कितना पावरफुल है इसकी मोटर। ये आप देख सकते हैं बहुत ही पावरफुल है। तो चलें गाइस बाहर जाकर मैं इसको आपका मुकम्मल रिव्यू करवाता हूँ, इसके हम करते हैं टेस्टिंग। मेरे साथ जुड़े रहिएगा।